तो बच्चों आइए अब एक नेक्स्ट थ्योरम देखते हैं, और उस थ्योरम का नाम क्या है? थ्योरम ऑफ एक्सटर्नल डिवीजन ऑफ फोर्स। ये थ्योरम क्या कहती है? ये थ्योरम कहती है इफ सेकंड्स कंटेनिंग कॉर्ड ए बी एंड सी डी, सेकंड है ये, सेकंड है ए और ये सेकंड है सी, इसके ऊपर ए के ऊपर कॉर्ड है ए बी और सी के ऊपर कॉर्ड है सी डी, ठीक, इंटरसेक्ट आउटसाइड द सर्कल इन पॉइंट ए। ये दोनों कॉर्ड कैसी है? ई पॉइंट पे जो कि सर्कल के बाहर है उसके ऊपर इंटरसेक्ट कर रही है। देन ए इंटू ई बी इज इक्वल टू सी इंटू ई डी, ए ये हो गया ए इंटू ई बी इज इक्वल टू सी इंटू ई डी। तो यही हमें प्रूव करना है। तो सबसे पहले देखते हैं गिवन को। गिवन में क्या लिखना है? आपकी किताब में गिवन और टू प्रूव नहीं है तो हमें वो पर लिखना पड़ेगा पहले। तो सेकंड ए एंड सी, सेकंड ए एंड सी कंटेंस कॉर्ड ए बी एंड सी डी, कंटेंस कॉर्ड ए बी एंड सी डी रिस्पेक्टिवली एंड इंटरसेक्ट एट पॉइंट ई आउटसाइड द सर्कल, इंटरसेक्ट एट पॉइंट ई आउटसाइड द सर्कल। ये हो गया हमारा गिवन। अभी हमें लिखना है टू प्रूव। टू प्रूव में क्या लिखेंगे? ए इंटू ई बी इज इक्वल टू सी इंटू ई डी, लिख लिया। अब चलते हैं कंस्ट्रक्शन की तरफ। तो हमें क्या करना पड़ेगा? ड्रॉ सेगमेंट ई डी एंड सेगमेंट सी बी, ये हमें ड्रॉ करना है, ठीक। अब चलते हैं प्रूफ की तरफ। इन ट्रायंगल एडी एंड ट्रायंगल सीबी, इन ट्रायंगल एडी एंड ट्रायंगल सीबी, यहां पर देखो इन ट्रायंगल एडी एंड ट्रायंगल सीबी हमें क्या करना है? एंगल एडी इज इक्वल टू एंगल सीबी, यहां पर क्या है? एंगल एडी इज इक्वल टू कॉन्ग्रुएंट टू एंगल सीबी। क्यों? क्योंकि कॉमन एंगल है दोनों का, जो ये एंगल है ये एंगल सेम है, ठीक है। ए बी देखो या आप सी बी देखो, है ना, ए बी एडी देखो या सी बी देखो, ये एंगल तो कॉमन है। दूसरी चीज डी ए इज इक्वल टू बी सी, एंगल डी इज इक्वल टू एंगल बी सी, एंगल डी ए है इज इक्वल टू एंगल बी सी, है ना, ये बी सी है और ये डी है। अब दोनों के बीच में क्या है? ये आर्क कॉमन है, ठीक है। तो हम क्या कहेंगे? एंगल इंस्क्राइब इन सेम आर्क, हमने क्या कहा? एंगल इंस्क्राइब इन सेम आर्क। तो हम क्या कहेंगे? ट्रायंगल एडी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल सीबी। तो ये जो ट्रायंगल एडी है ये किसको कॉन्ग्रुएंट रहेगा? सीबीई को। क्यों? बाय एए टेस्ट, एंगल एंगल टेस्ट। यहां पर भी हमने कहा ये एंगल है कॉन्ग्रुएंट और ये भी एंगल कॉन्ग्रुएंट है, तो बाय एंगल एंगल टेस्ट हम क्या है कहेंगे? ट्रायंगल एडी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल सीबी। तो यहां पर हम क्या कहेंगे? एई अपॉन सी, एई अपॉन सी, ये एई अपॉन सी इज इक्वल टू ईडी अपॉन बी, ईडी अपॉन ईबी। यहां पर क्या है? ए अपॉन सी इज इक्वल टू ईडी अपॉन ईबी। क्यों? करस्पॉन्डिंग साइड ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। अब ये ट्रायंगल तो हमने क्या कह दिया कॉन्ग्रुएंट है। अब उनकी जो साइड है वो भी तो सिमिलर रहेगी, है ना, तो उस हिसाब से हमने ये कह दिया करस्पॉन्डिंग साइड ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। अब यहां पर हम क्या करेंगे? ये ईबी को यहां पर लेके जाएंगे और सी को यहां पर लेके जाएंगे, जिसके कारण हमें मिलेगा ए इंटू ई बी इज इक्वल टू सी इंटू ई डी। ये क्या मिल गया? ए इंटू ई बी इज इक्वल टू सी इंटू ई डी। तो इस तरह से हम थ्योरम ऑफ एक्सटर्नल डिवीजन ऑफ कॉर्ड को प्रूव करता है। आशा है आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू।